आज का हमारा सेकंड जो रिसेप्टर है या सेंस ऑर्गन्स है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो है ह्यूमन ईयर्स। ठीक है, हियरिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एज विजन। आवर ईयर हेल्प्स इन अस इन हियरिंग एंड आल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ और इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। जिस तरह हमने ऊपर के टॉपिक में हमने डिस्कस किया किसी चीज़ को देखने का जो प्रोसेस होता है, उसी तरह चीज़ों को सुनने का, मुख्तलिफ जो आवाज़ होते हैं, साउंड्स होते हैं, उनको सुनने का जो प्रोसेस है वो भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सेंसेशन ऑफ हियरिंग के लिए जो रिसेप्टर ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उनको कहा जाता है ईयर्स। ईयर्स सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस करने के साथ साथ हमारे बॉडी के बैलेंस को या इक्विलिब्रियम को भी मेंटेन रखते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर को तीन लेयर में या तीन पार्ट्स में उनको डिवाइड किया जाता है। नंबर वन एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर को जो हमें बाहर से नज़र आता है, ह्यूमन बॉडी से आउटसाइड जो अटैच होता है उनको क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल ईयर कहा जाता है। एक्सटर्नल ईयर के तीन पार्ट्स होते हैं। नंबर वन पीना, नंबर टू ऑडिटरी कैनाल एंड नंबर थ्री ईयर ड्रम, जिसको टेम्पेनम भी कहा जाता है। ठीक है, पीना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम, दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ आवर एक्सटर्नल ईयर। पीना इज द ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट मेड अप ऑफ कॉटिलेजेस एंड कवर्ड विद स्किन। जो ईयर का या कान का जो बैरूनी हिस्सा जो हमें नज़र आता है, एक्सटर्नल जो पार्ट है, उस पार्ट को क्या कहा जाता है, पीना कहा जाता है। मतलब सिंपली आप लोग ये लिखेंगे तो एक्सटर्नल ब्रॉड पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर इज कॉल्ड एज पीना। अब पीना का फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स टू डायरेक्ट द साउंड वेव्स इनटू द ऑडिटरी कैनाल। जो बाहर से साउंड वेव्स आते हैं उनको रिसीव करना, और रिसीव करने के बाद उनको ऑडिटरी कैनाल्स तक जो है वो उनको क्या करना, उसको डायरेक्ट करना, उनको पहुंचाना, ये हमारे एक्सटर्नल ईयर का पार्ट पीना का फंक्शन है। देयर इज स्पेशल ग्लैंड्स इन द ऑडिटरी इन द वॉल्स ऑफ ऑडिटरी कैनाल विच प्रोड्यूस वैक्स। हमारे कान के अंदर या ह्यूमन ईयर के अंदर स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं, और उन ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है, जो कि वैक्स प्रोड्यूस करते हैं, लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं, जिनको वैक्स कहा जाता है। अब वैक्स का फंक्शन क्या है, वैक्स का फंक्शन ये है, द वैक्स एंड द हेयर्स इन द ऑडिटरी कैनाल प्रोटेक्ट ईयर फ्रॉम द इंसेक्ट जर्म एंड डस्ट पार्टिकल्स। जो हमारे कान के अंदर ना ईयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, साथ में वैक्स भी ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इन दोनों का फंक्शन ये है कि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हमारे ईयर के अंदर इंटर होते हैं, या जितने इंसेक्ट अगर इंटर हो जाते हैं या जर्म्स इंटर हो जाते हैं, तो उन तमाम को ट्रैप करना, और ट्रैप करके करने के बाद हमारे इंटरनल ईयर के जो पार्ट्स होते हैं, सेंसिटिव पार्ट्स, उन तमाम पार्ट्स को क्या करना, प्रोटेक्शन करना, यह हमारा एक्सटर्नल ईयर का सॉरी मिडल ईयर का जो या एक्सटर्नल ईयर में जो हेयर्स और वैक्स होते हैं उनका उनका बेसिक फंक्शन होता है। इसके अलावा ये जो वैक्स है, दे आल्सो हेल्प टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर एंड डैम्पनेस ऑफ ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल के टेम्परेचर को और उसकी जो जो उसका जो मॉइस्ट जो नेचर होता है, उस नेचर को भी मेंटेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑडिटरी कैनाल्स एंड इन एयर ड्रम, जो हमारा एक्सटर्नल एयर है उसका जो लास्ट पार्ट है उसको एयर ड्रम कहा जाता है। और एयर ड्रम का फंक्शन क्या है, एयर ड्रम इज अ थिन मेम्ब्रेन विच ओनली इसका फंक्शन क्या है, इट इज़ अ थिन मेम्ब्रेन दैट सेपरेट मिडल एयर फ्रॉम एक्सटर्नल एयर। ठीक है, एयर ड्रम क्या है, एक थिन लेयर होता है, और उस लेयर का फंक्शन यह है कि हमारे मिडल ईयर को एक्सटर्नल ईयर से जो है वो सेपरेट करता है। ठीक है, ये बेसिक इनका फंक्शन है। देखें एक्सटर्नल ईयर में हमने कितनी चीज़ें पढ़ी। एक्सटर्नल ईयर में सबसे पहले हमने उनका स्ट्रक्चर पढ़ा कि इनके तीन पार्ट्स होते हैं, पीना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम। ठीक है, पीना सबसे आउटर मोस्ट जो बाहर से हमें नज़र आता है उसको पीना कहा जाता है। इसका फंक्शन ये है कि जो भी साउंड वेव्स आते हैं बाहर इन्वायरमेंट से, उन साउंड वेव्स को क्या करना, उन साउंड वेव्स को कैप्चर करके ईयर के अंदर इंटर करवाना। सेकंड पार्ट जो है ऑडिटरी कैनाल है, ऑडिटरी कैनाल के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड्स होते हैं और हेयर्स होते हैं। ठीक है, और ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं, वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। तो वैक्स और हेयर्स क्या करते हैं, हमारे ईयर के अंदर इंसेक्ट जेम्स और डस्ट पार्टिकल्स को इंटर होने से प्रोटेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ वैक्स हमारे ईयर के अंदर डैम्पनेस, मतलब इसकी जो मॉइस्ट नेचर है उसको, और साथ में इंटरनल टेम्परेचर को भी मेंटेन रखने में मदद देता है। ऑडिटरी कैनाल का जो आखिरी पार्ट ये जाके ईयर ड्रम में एंड होता है, और ईयर ड्रम वो लेयर होता है, थिन लेयर, जो कि हमारे एक्सटर्नल ईयर को मिडिल ईयर से क्या करता है, सेपरेट करता है। यहाँ तक अगर